तो ज्ञान व्यापी पर योगी प्लान क्या निकलेगा समाधान योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या कुछ कहा गया है आइए सीधे आपको वो इंटरव्यू दिखाते हैं जिसमें बड़ी बेबाकी से बिना किसी लाग लपेट के हर मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ ने अपने मन की बात कही प्राइम मिनिस्टर्स योगी आदित्यनाथ दू टर्म चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इज अंकू वेज हिंदू आइडेंटिटी विद प्राइड

और फिर 1998 में योगी आदित्यनाथ 26 वर्ष की आयु में गोरखपुर निर्वाचन क्षेत्र से सबसे कम उम्र वाले लोकसभा सदस्य बने टूडे कॉन्वर्सेशन विद योगी आदित्यनाथ इज गोइंग टू बी इज नेवर बीन सीन बिफोर दैट मच आई कैन प्रॉमिस यू प्रणाम योगी जी एन आई पॉडकास्ट में आने के लिए धन्यवाद आपके राजनीतिक जीवन के बारे में मैं पॉडकास्ट के दूसरे हिस्से में बात करूंगी पहले मैं जानना चाहूंगी कि आप धर्म योगी कब कैसे क्यों बने क्योंकि इतनी छोटे से उम्र में आप में ये त्याग की भावना क्यों जागी आप साइंस के स्टूडेंट थे तो साइंस और धर्म ये कैसे मिलाप हुआ देखिए सबसे पहले हम लोगों को धर्म समझना पड़ेगा भारत की परंपरा को अगर हम जानना चाहेंगे तो भारत ने केवल उपासना विधि को धर्म नहीं माना है कर्तव्य और सदाचार वो धर्म को का एक रूप माना है और धर्म को उससे जोड़ करके देखा है धर्म एक व्यवस्था है एक वे ऑफ लाइफ है जिसको आप एक जीवन पद्धति कह सकते हैं वो जीने की एक कला है विज्ञान उसके उन्नयन का एक माध्यम है अध्यात्म उसकी चरम स्थिति यानी साइंस उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट है हम जब भौतिक दृष्टि से देखते हैं तो साइंस का एक अन्वेषण होता है एक एक्सपेरिमेंट हो जाता है लेकिन जब चेतना का विस्तार हम करेंगे तो चेतना का वह विस्तार अध्यात्म की एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा, जहां पे व्यक्ति किसी कार्य का केवल सृष्टा ही नहीं बनेगा बल्कि उसका दृष्टा भी बन सकता है और यही वैदिक ऋषियों ने किया था इसलिए स्वाभाविक रूप से एक सीमित क्षेत्र और एक सीमित भूमिका के साथ आगे जाने के बजाय उसमें स्वयं प्रवेश करके देखो क्या है तो बहुत कुछ देखने को मिला है मिल रहा है तो उन चीज़ों को लेकर के इसलिए मैंने अध्यात्म का सहारा लिया और उससे आगे बढ़ के फिर उस अन्वेषण की यात्रा हमारी लगी भी एक साइंस के स्टूडेंट के साथ साथ एक योगी के रूप में उस दिशा में आगे कार्य कर रहे हैं नाथ समुदाय के बारे में कुछ बताइए हमें कि उसमें ऐसी क्या बात थी कि जो आप इतनी कम आयु में आप जुड़ गए उस समुदाय से देखिए नाथ संप्रदाय भारत का प्राचीनतम संप्रदायों में से एक है यह भारत की एक उस विशिष्ट साधना पद्धति का प्रतिनिधित्व तो करता है जो वास्तव में व्यवहारिकता को लिए हुए है और व्यावहारिक दृष्टि है यद्यपि सभी संप्रदायों के अपने अपने दर्शन हैं अपने अपने मंत्र हैं अपने अपनी पद्धतियाँ हैं सब में श्रेष्ठता है और उसमें मुझे जो उचित लगा मैंने उस समय वो किया और उस समय के जो जो सर्वश्रेष्ठ संतों की परंपरा थी महंत अवैध्यनाथ जी महाराज को मैंने अपने पूज्य गुरुदेव के रूप में चयन करके मैंने उनसे जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर तो ढाई पे आए बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहु पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर। और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी न्यूज आपको रखे आगे